नमस्कार जिको बॉलीवुड डायरीज की तरफ से मैं राजरंजन आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से खबर है कि अभिलाष थपलियाल ने किया खुलासा कि तापसी पन्नू ने उन्हें क्यों भेजी ब्लर की स्क्रिप्ट। स्रोत के साथ एक साक्षात्कार में अभिलाष थपलियाल ने फाड़ू और ब्लर में अपनी भूमिकाओं से जुड़े दिलचस्प किस्से साझा किए। दोनों फिल्मों को 9 दिसंबर को ऑनलाइन रिलीज किया गया था। अभिलाष थपलियाल मूल रूप से द कपिल शर्मा शो में भूमिका निभाने की उम्मीद के साथ मुंबई गए थे, लेकिन इस साल उन्होंने पहले ही 2 फिल्मों और एक वेब सीरीज पर काम किया है। अभिलाष ने इस साल रक्षाबंधन में एक निराशाजनक रोमांटिक से लेकर ब्लर में एक गंभीर कैरेक्टर और फाड़ू में नशे में एक व्यापक स्पेक्ट्रम प्रदर्शित किया है। फिल्मों और टेलीविजन की परिस्थितियों पर जाने से पहले रेडियो होस्ट ने निसंदेह श्रोताओं को अपनी आवाज़ से लुभाने से लेकर कॉमेडी प्रयास करने तक का लंबा सफर तय किया है। इस सस्पेंस थ्रिलर में उन्होंने प्रतिपक्षी की भूमिका कैसे निभाई इस बारे में खुलते हुए वे कहते हैं, जब तापसी ने मुझे अपने प्रोडक्शन की शुरुआत करने के बारे में बताया तो मैंने इसमें अभिनय करने की इच्छा व्यक्त की। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं ऑडिशन क्लियर कर लेता हूँ तो मुझे एक रोल मिल जाएगा। मुझे एक होटल मैनेजर की भूमिका मिली और मैं दिन भर की शूटिंग के लिए नैनीताल चला गया। जब मैं नैनीताल से वापस आया तो वापसी में तापसी ने यह कहने के लिए कॉल किया कि वह मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए भेज रही है। मैंने कहा कि मैं पहले ही भूमिका निभा चुका हूँ, अब स्क्रिप्ट का क्या करूँगा। उसने मुझे बताया कि निर्देशक अजय बहल चाहते थे कि मैं प्रतिपक्षी में भूमिका निभाऊं। मैंने उस भूमिका के लिए शूटिंग की और दिल्ली से नैनीताल तक की यात्रा की, क्योंकि मेरी माँ की दिल की सर्जरी हुई थी। वह रोल एक होटल मैनेजर का फिर किसी और के साथ शूट किया गया था। ऐसी ही खबरें पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक मैं राजरंजन आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।